भी जॉर्डन ने इसराइल से भिड़ने का मूड बना लिया और ऐलान किया कि अगर इसराइल ने यरूशलम में रेड लाइन क्रॉस की तो दोनों देशों में झगड़ा बढ़ जाएगा, क्योंकि जॉर्डन को लग रहा है कि इसराइल यरूशलम की अल अक्सा मस्जिद में बदलाव करने वाला है। और ये बात जॉर्डन को बर्दाश्त नहीं, क्योंकि अल अक्सा मस्जिद इस्लाम धर्म का तीसरा सबसे पवित्र स्थल मानी जाती है, जबकि यहूदी लोगों का मानना है कि वहां पर उनके दो मंदिर थे, लेकिन अंदर जाकर प्रार्थना करने की इजाजत केवल मुस्लिम समुदाय को है, यहूदियों को नहीं। और यही है झगड़े की जड़। जॉर्डन के किंग ने एक इंटरव्यू में बताया कि इसराइल अल अक्सा मस्जिद को हथियाने के चक्कर में है, जिसकी वजह से दोनों देशों के बीच तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि जॉर्डन खुद को अल अक्सा मस्जिद ही नहीं बल्कि उस पूरे टेंपल माउंट नाम के पहाड़ का मालिक बताता है जहां पर अल अक्सा मस्जिद बनी है। यह इलाका पूर्वी यरूशलम में है। यरूशलम को जब से इसराइल की राजधानी बनाने का ऐलान हुआ है, अरब देश नाराज है, खासकर जॉर्डन। गुस्से में आकर उसने इसराइल के साथ किया गया 25 साल पुराना शांति समझौता भी तोड़ दिया। यही नहीं, जॉर्डन के किंग अब्दुल्ला ने खुलकर बोल दिया कि अगर यरूशलम में रेड लाइन पार हुई तो बात बढ़ जाएगी, क्योंकि इसराइल में 1967 में टेंपल माउंट पर कब्जा तो किया था, लेकिन जॉर्डन के संग उसका एक समझौता हुआ था जिसके तहत जॉर्डन को अल अक्सा मस्जिद में धार्मिक अधिकार मिले थे, जबकि यहूदी धर्म के लोगों को वहां प्रार्थना करने का अधिकार नहीं मिला। वो वहां घुस तो सकते हैं लेकिन पूजा नहीं कर सकते, और यही बात इसराइल के यहूदी समुदाय को परेशान करती है, जिसकी वजह से वो यरूशलम में अपनी ताकत बढ़ाने में जुट गया, जिसके बाद जॉर्डन के किंग ने इसराइल को धमकी दे डाली। यानी टेंपल माउंट में धार्मिक अधिकारों के मुद्दे पर इसराइल और जॉर्डन के बीच झगड़ा तूल पकड़ने लगा। उधर खबर है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कराची में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाले दूसरे टेस्ट मैच की टिकटें मुफ्त बांटने वाला है। ऐसा इसलिए क्योंकि कंगाली की मार झेल रहे पाकिस्तान के लोगों ने स्टेडियम की टिकटें खरीदना ही बंद कर दिया, जिसकी वजह से कराची में दोनों टीमों के बीच हुए पहले टेस्ट मैच में स्टेडियम खाली नजर आया। असल में पीसीबी को उम्मीद थी कि 20 साल बाद पाकिस्तान आई न्यूजीलैंड की टीम से होने वाले मुकाबले के लिए दर्शक टूट पड़ेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पहले टेस्ट मैच के पहले दिन मुश्किल से 100 लोग ही स्टेडियम पहुंचे। यही वजह है कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अगले टेस्ट मैच में दर्शकों की एंट्री फ्री करने का फैसला लिया, ताकि 3 जनवरी से होने वाले टेस्ट मैच के दौरान कराची स्टेडियम दर्शकों से भरा नजर आए। बताया गया कि मुफ्त एंट्री का ये नियम वीवीआईपी स्टैंड पर लागू नहीं होगा, हालांकि वहां बैठने के लिए भी दर्शकों को सिर्फ 500 पाकिस्तानी रुपए ही चुकाने होंगे। इधर पंजाब के संगरूर में 4 गांवों ने तंबाकू उत्पादों और सिंथेटिक नशे की बिक्री पर पाबंदी लगा दी। पंचायत ने नियम तोड़ने वालों पर जुर्माना लगाने का भी फैसला किया, जिससे बीड़ी, सिगरेट, जर्दा और सिंथेटिक नशा ना ही बेचा जा सके और ना ही खरीदा। इस पर निगरानी की जिम्मेदारी गांवों के नौजवानों की होगी। संगरूर के शाहपुर कलां, झांडो, चट्ठा, नंडेड़ा और तोगावाल गांव ने 1 जनवरी से बैन लगाने का फैसला लिया है। पंचायत ने नियम तोड़ने वालों पर 5,000 रुपए जुर्माना और 7 दिनों तक उनकी दुकान बंद रखने का निर्णय लिया। इस बीच दिल्ली पुलिस के डिप्टी कमिश्नर जितेंद्र मणि ने 8 महीने में 46 किलो वजन घटा लिया। डीसीपी जितेंद्र मणि का वजन 130 किलो था, जिसे उन्होंने घटाकर अब 89 किलो कर लिया। इसके लिए दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा ने उन्हें सम्मानित भी किया। दिल्ली पुलिस के डीसीपी जितेंद्र मणि ने बताया कि हर महीने वो करीब 4.5 लाख कदम चले। उन्होंने अपने डाइट में भी कई बदलाव किए, जिसके बाद जाकर 8 महीने में उन्हें 46 किलो वजन कम करने में कामयाबी मिली।